आज हम इस वीडियो में इंसर्ट ऐप के एडियंस ग्रुप और मीडिया ग्रुप इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा एडियंस ग्रुप। तो इसमें सबसे पहली कमांड है हमारी गेट एडियंस। गेट एडियंस इसमें क्लिक करने के बाद हम कुछ भी यहाँ पे ऑफिस का ऐड कर सकते हैं। माई एडियंस जो भी हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐड नहीं है। अगर हमने ऐड करना है तो हमें गेट एडियंस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये आ जाएगा। ये जितना भी है ये ऑल कैटेगरीज है। ऑल कैटेगरीज जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सभी आ जाएंगी। ये हमारे पास सभी कैटेगरीज नीचे आ गई हैं। ये जो भी कैटेगरी हमने यहाँ पे ऐड करनी है वहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ये ऑल पे क्लिक है यहाँ पे। अगर दूसरा कैटेगरी है ये बेस्ट ऐप्स ऑफ द ईयर, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगला डॉक्यूमेंट रिव्यू, तो डॉक्यूमेंट रिव्यू का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सपोज करो हमने ट्रांसलेटर यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आगे ऐड पे क्लिक किया, तो ऐड पे क्लिक करते हमारे राइट हैंड साइड में ट्रांसलेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ट्रांसलेटर यहाँ पे आ गया। ये अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे माई एड इंस पे ये ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ट्रांसलेटर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ट्रांसलेटर यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस प्रकार हम अपने इसमें सेकंड कमांड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है अगला हमारे पास विकिपीडिया। विकिपीडिया में हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद विकिपीडिया पे यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे प्रिंटर सर्च करना है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये प्रिंटर के बारे में ये देखो आ जाएगा। ये तो ये अगर हम चाहते हैं कि ये हमने यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी कॉपी हमने अपने डॉक्यूमेंट पे करनी है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखो हमारे डॉक्यूमेंट पे ये पेस्ट होके आ जाएगा। ये देखो तो इस प्रकार हम यहाँ से उठा के अपने डॉक्यूमेंट पे कॉपी कर सकते हैं। तो ये इसके बाद है हमारे पास ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो का मतलब है अगर हम ऑनलाइन वीडियो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करो हमने ऑनलाइन वीडियो पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन खुल जाएंगी। ये तो इसमें पहला है YouTube के जरिए हम कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम ए वीडियो एम्बेंड कोड। तो ये हमारा एम्बेंड कोड के जरिए अगर हमारे पास कोड है किसी भी वीडियो का तो यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वो वीडियो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो सपोज करो हमने ये फर्स्ट वाला ये ऑप्शन लिया हुआ है YouTube के जरिए हम यहाँ पे कोई वीडियो इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे अपना चैनल बाय यस ज्ञान टेक लेता हूँ ये, और इसको सर्च करता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है बाय यस ज्ञान टेक। यहाँ से मैंने इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद ये जितने भी वीडियो हैं ये मेरे चैनल की वीडियो ओपन होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके बाद कौन सी वीडियो हमने यहाँ पे इंसर्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है। सपोज करो हमने ये वीडियो इंसर्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद इंसर्ट पे गए। ये देखो इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, ये छोटा बड़ा जो भी जैसे भी करना है ये साइज इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट पे YouTube की वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस वीडियो को हम प्ले भी कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार मीडिया से हम कुछ भी वीडियो वगैरह यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं।
इस प्रकार आज हमने सीखा कि एडेंस ग्रुप और मीडिया ग्रुप में क्या क्या होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।